नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में बढ़ेगी आपकी परेशानी। ईडी ने 8.8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने जगदीश अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल की 8.80 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में तो केजरीवाल की सरकार पहले से ही फंसी हुई है और अब सीएम सहित कई नेता जेल में है। अब इसके बाद ईडी ने दिल्ली में जल बोर्ड घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका अरोड़ा, इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल की 8.80 करोड़ रुपए की कुल कीमत वाली विभिन्न अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने कहा है कि जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य के मामले में PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत उप ठेकेदार और NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड DJB के ठेकेदार अचल संपत्तियां दिल्ली में स्थित है, जिन्हें कुरक किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के राहुजी एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था। बता दें कि जांच एजेंसी पिछले काफ़ी समय से इस मामले की जाँच कर रही थी। इस केस में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था और कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया था और उसी के आधार पर चार्जशीट दायर की गई। इस चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल और जगदीश अरोड़ा के बेहद करीबी और पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजेंद्र सिंह समेत कई अन्य आरोपियों के नाम शामिल है। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अधिकारी रहे DK मित्तल भी आरोपी बनाए गए हैं। जाँच एजेंसी ने कई आरोपियों से पूछताछ की, जिनमें NKG कंपनी और उनके निदेशक की भूमिका सामने आई थी। इस मामले की तफ्तीश के दौरान कुछ दिनों पहले इस कंपनी के निदेशक का निधन हो गया था। जांच एजेंसी ने 6 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके नाम है जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल। इनमें से जगदीश कुमार अरोड़ा दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर पद पर कार्यरत थे, जबकि अनिल कुमार अग्रवाल दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार हैं। अनिल कुमार अग्रवाल पिछले कई सालों से दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। दिल्ली जल बोर्ड मामले में सबसे पहले CBI ने केस दर्ज किया था, इसके बाद इस मामले को आधार मानकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस को टेक ओवर किया था। CBI ने 9 जुलाई 2022 को कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया और सर्च ऑपरेशन में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके ईडी ने 23 जुलाई 2023 को नोएडा, हरियाणा के गुरुग्राम के साथ साथ केरल, चेन्नई में भी आरोपियों से जुड़े अन्य लोकेशन पर छापेमारी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। इस पर आपके क्या राय कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।